अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज पाकिस्तान का और बांग्लादेश का मैच था और सबको पता था कि पाकिस्तान जो है वो ये मैच जीत जाएगा और बासानी जीता, लेकिन आपके जो माशाल्लाह जो हमारे दो चीते हैं, दो शेर हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट में हमेशा ओपनर आते हैं, 10-16 ओवर खेल के जाते हैं और अक्सर वो 6 के एवरेज को भी 8-9 का एवरेज बना जाते हैं और जब बैटिंग कर रहे होते हैं तो वो 5 की और 6 की एवरेज से जो है T20 क्रिकेट में बैटिंग कर रहे होते हैं, तो हैज़ यूजुअल उनकी स्लो बैटिंग के लिए जो अपनी ज़ात के लिए वो लोग खेलते हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान को जो था बांग्लादेश के खिलाफ एक स्मॉल टारगेट था वो बनाना मुश्किल हो गया, जिसमें हारिस ने आके जो है वो स्कोर को तेज़ किया और पाकिस्तान जो है वो 5 विकेटों से जीता। और आई थिंक पाकिस्तान का जो है न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल होगा और इंडिया भी मेरे ख्याल से आज मैच जीत जाएगा और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का होगा, इंग्लैंड और जो है वो इंडिया का मैच होगा। और आई थिंक देखेंगे आगे क्या होता है, क्योंकि जिस तरह ये टूर्नामेंट हुआ है, शुरू के पाकिस्तान 2 मैच जीते हुए 2 मैच पाकिस्तान हार गया, फिर पाकिस्तान की टीम जो है साउथ अफ्रीका को हराने के बाद अपने 3 मैच जीत के जो है वो आज सेमीफाइनल में पहुंच गई और साउथ अफ्रीका बांग्लादेश नैदरलैंड जैसी यानी हॉलैंड जैसी कमज़ोर टीम से हार गया और आज इंडिया का मैच है और इंडिया जीत ही जाएगा वो। तो ये क्रिकेट ये जो टूर्नामेंट जिस तरीके से हो रहा है ये ICC और आई थिंक ज़्यादातर इसमें मैच फिक्स हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी माठी नहीं है कि इंडिया के खिलाफ भी पाकिस्तान ने 3 ओवर में जो है वो 50 रन दिए हैं। इतनी माठी नहीं है पाकिस्तान की बॉलिंग कोहली, इतनी माठी नहीं है। हाँ, हमारे ओपनर हमारे लिए मसला बन चुके हैं, बाबर आजम और रिजवान, एक इसमें अगर वन डाउन आ जाएगा तो पाकिस्तान की बैटिंग में शुरू में स्कोर तेज़ हो जाएगा। तो बस दुआ में याद रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अगर मैच फिक्स नहीं होगा तो हम इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को भी जो है वो दो देंगे, और अगर मैच फिक्स नहीं हुए तो इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप भी लेके आ जाएंगे, क्योंकि हमें जज्बा है, अब टीम स्पिरिट भी है। लेकिन हमारे यहाँ जो आपको पता है जिस तरह की क्रिकेट हुए, टूर्नामेंट हुए, इंडिया के खिलाफ 3 ओवर हमने 50 रन दिए, 4 बॉल में 4 रन हमने जिम्बाब्वे जैसी कमज़ोर टीम के खिलाफ नहीं बनाए, तो कहने का मकसद ये कि बस दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होगा। अभी तक जो हालात दिख रहे हैं, अगर इंडिया हार गया तो फिर जो है उसका सेमीफाइनल हो जाएगा, इंडिया और न्यूजीलैंड का हो जाएगा। बस दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बस एक ही चीज़ है कि जो हमारे ओपनर हैं वो हमारे लिए मुसीबत बने हुए इस पूरे टूर्नामेंट में, 5 के 5 मैचों में ना कोई ओपनिंग पार्टनरशिप है, आज के मैच में तो स्लो तरीन यानी कि स्मॉल टारगेट को भी ये लोग पीछे आने प्लेयरों के लिए मुश्किल बना देते हैं। एवरेज इतना देके जाते हैं कि अगर 6 का एवरेज चाहिए होता तो 8-9 का एवरेज बना देते हैं, अगले आने वाले प्लेयर को बड़ा मसला होता है। दुआओं में याद रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और बाबर आजम तैनू अल्लाह हदायत दे, हैज़ा एक अच्छा कैप्टन बन जाए। नवाज़ को तू खिला रहा है लेकिन नवाज़ से बॉलिंग तूने नहीं करवानी है और ख़ुद तूने अपना रहना है, अपनी जात के लिए फायदा देना। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।